इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए काफी लोग मौजूद, पीएम ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात, मिलाया हाथ। बारिश के बावजूद एयरपोर्ट पर घंटों डटे रहे लोग अपने बीच, प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लगाया मोदी मोदी के नारे। भारतीय मूल के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया पीएम का स्वागत, कई लोग पीएम को देखने दूर दूर से पहुंचे वॉशिंगटन डीसी। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर भी हुआ जोरदार स्वागत, होटल के गेट पर मिलने पहुंचे लोग पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। दौरे के पहले दिन आज 5 ग्लोबल सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले क्वालकॉम और फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ से मुलाकात करेंगे। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी होगी मुलाकात। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर बोले अमेरिका के भारत के राजदूत चरणजीत सिंह संधु, कोरोना के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आई मजबूती। अमेरिका जाते वक्त फ्लाइट में काम करते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी, शेयर की तस्वीर। पीएम मोदी में ग्लोबल कोविड शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। कोविड पर ग्लोबल सम्मेलन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी किया संबोधित, दुनिया में अमेरिकी वैक्सीन सप्लाई डबल करने का किया ऐलान। सम्मेलन में बाइडेन ने किया ऐलान, क्वाड की घोषणा के मुताबिक भारत में $1 अरब वैक्सीन बनाने का काम प्रगति पर। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठने को बेकरार तालिबान, संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के नव नियुक्त दूत सुहेल शाही ने तालिबानी शासन को जल्द मान्यता देने की अपील की। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आतंक के लिए ना हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल, तालिबान पूरा करे अपना वादा। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान को निशाना बनाकर दो हमले, दो तालिबान लड़ाके समेत 5 लोगों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक रिक्शा पर बैठकर आए थे हमलावर, पेट्रोल पंप पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में पेट्रोल पंप के अटेंडेंट और एक बच्चे की भी गई जान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने स्थानीय आतंकी अनायत अशरफ डार को किया ढेर, एक सिविलियन को मारी थी गोली। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की होगी सीबीआई जांच, योगी सरकार ने केंद्र से की सिफारिश। कई साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर ही उठाए सवाल, राजनीतिक दलों ने भी की सीबीआई जांच की मांग, फिलहाल 18 सदस्यीय एसआईटी कर रही है मामले की जांच। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सुसाइड नोट में था नाम। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी ने संदीप तिवारी को किया गिरफ्तार, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी का बेटा है संदीप। नवजोत सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान है जंग, सिद्धू को बताया देश के लिए बड़ा खतरा। अमरिंदर बोले सिद्धू को चुनाव जीतने नहीं दूंगा, उनके खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार, सिद्धू के साथ नहीं आ सकते। राहुल प्रियंका पर अमरिंदर का बड़ा हमला, कहा दोनों को कोई अनुभव नहीं, सलाहकार चला रही है पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़, चंडीगढ़ से तीनों ने एक साथ पकड़ी फ्लाइट। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आने वाले पर उठे सवालों पर पंजाब के सीएम चन्नी का पलटवार, पूछा गरीब का बेटा चार्टर्ड प्लेन से सफर करता है तो परेशानी क्यों। संभल में असदुद्दीन ओवैसी का अब्बा जान के बहाने योगी पर अटैक, बोले कुछ लोग मुझे चचा जान बुला रहे हैं तो कुछ अब्बा जान, गरीबों कमजोरों और सताए हुए लोगों का हूं अब्बा। ओवैसी ने कहा मुझ पर वोट काटने का लगता है आरोप, मैं यहां योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूं, आप साथ दीजिए तो योगी को गुमनामी में भेज दूंगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी पर आरएसएस को किया चैलेंज, कहा मुस्लिम आबादी देश में कभी नहीं हो पाएगी बहुसंख्यक। दिग्विजय ने कहा 1951 में मुस्लिमों की जन्म दर तेजी से घट रही है, 2028 तक हिंदुओं और मुस्लिमों की जन्म दर होगी बराबर, हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम योगी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाया आयोग, पूरे मामले की करेगा जांच। किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे, चढ़ू ने बोले सीमाएं खोलने का सपना ना देखे सरकार, कानून वापसी तक नहीं जाएंगे घर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला केस में सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला, 3 उम्मीदवार समेत 4 आरोपियों को 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, 5 को मिली जमानत। बंगाल में और बारिश का असर, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, 26 से 27 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी।
देश में एक दिन में कोरोना के करीब 32,000 नए केस, 282 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को फाइजर का बूस्टर डोज लगने का रास्ता साफ, एफडीए ने प्रस्ताव को की मंजूरी। रोहतक में शराब के ठेके पर लूट की वारदातें, नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश ने खुद को मारी 3 गोलियां, गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। यूपी के मिर्जापुर में हत्या के आरोपी को पीट पीट कर मार दिया गया, ग्रामीणों ने पुलिस के सामने की पिटाई, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। असम के रायमोना नेशनल पार्क के पास 57 शिकारियों ने हथियार समेत आत्मसमर्पण किया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मदद के लिए दिए 50,000 रुपए के चेक। फ्रांस की नाराजगी दूर करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर की बात, दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से निकला 40 फीट ऊंचा लावा, अधिकारियों ने मीडिया का करा दौरा। WHO ने कहा वायु प्रदूषण से दुनिया के सालाना 70 लाख मौत का आंकड़ा, ने सख्त गाइडलाइंस को किया जारी। IPL ने दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। IPL में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, टॉप 4 में बने रहने के लिए मुंबई की जीत जरूरी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अभिनव बिंद्रा से की मुलाकात, बिंद्रा से मिलने अपने गोल्ड मेडल के साथ पहुंचे थे नीरज। MCC ने क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले शब्द में किया बदलाव, अब बल्लेबाज को बैट्समैन की जगह बैटर बोला जाएगा। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड कैटेगरी के फाइनल में पहुंची भारत की महिला तीरंदाज टीम, पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स की लिस्ट में मिला पहला स्थान, दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।